हेलो एवरीवन मैं हूँ सीए गरिमा पांडे फ्रॉम पेनोमिक एजुकेशन एंड आज हम लोग एक क्विक रिविजन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू तो कौशी फॉर्मली एज अ चैप्टर इसको इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया था इन मे 2018 थाउजेंड एटीन एंड तब से अगर ट्रेंड एनालाइज किया जाए तो दस मार्क का इस चैप्टर से पूछा गया है क्वाइट फ्रीक्वेंटली देखो इस एग्जाम के अटेम्प्ट से पहले भी हमें इसका क्विक रिविजन कर ही लेना चाहिए So that is why ये वीडियो हम लोग ने सोचा कि जल्दी से बना लिया जाए अभी बिफोर वी डिस्कस ईच एंड एवरी आइटम इंडिविजुअली एक बार जल्दी से उसका फॉर्मेट गो थ्रू कर लेते हैं ताकि बाद में जब इंडिविजुअल आइटम्स हम लोग डिस्कस करें तो आपको याद आ जाए कि अच्छा ये फॉर्मेट था उसके फॉर्मैट में आपको अगर याद है तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते थे अपना प्राइम कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली समोटल ऑफ डिररेक्ट मटीरियल डिरेक्ट लेबर एंड डिरेक्ट एक्सपेंसिस इन सब बोलते हैं प्राइम कॉस्ट मेरा प्रिलिमिनरी कॉस्ट कॉस्ट है है जो दैट इज माय प्राइम कॉस्ट फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं अपना फैक्ट्री का ओवरहेड्स फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटालिटी को कहते हैं वर्क कॉस्ट या कॉस्ट अभी ग्रॉस लेवल पे है ओपनिंग डब्ल्यू आईपी इसमें एड किया जाता है क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी की वैल्यू इसमें से हटा देंगे तो हमें पता चलेगा हम लोगों का नेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क फिर याद कीजिए इसमें चार चीजें एड और एक चीज लेस होती है वो चार चीजें कौन सी है QC, दट इज क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन उसका खर्चा फिर पैकिंग कॉस्ट जो मेरी प्रिलिमिनरी पैकिंग कॉस्ट है उसका खर्चा ऐड किया जाता है एंड इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं इस खर्चे को हम रिड्यूस कर लेते हैं बाय सेल ऑफ स्क्रैप जो स्क्रैप मैंने मैन्युफैक्चर करते वक्त बनाया है उसको बेच के मुझे कुछ रियलाइजेशन हो जाता है उसको जब लेस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन इसमें फिनिश गुड्स की ओपनिंग वैल्यू को ऐड किया जाता है क्लोजिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिससे मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ऐड करते हैं लेकिन इस बार जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ऐड करेंगे मार्केटिंग के खर्चे ऐड करेंगे सेलिंग के खर्चे ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करेंगे जिससे मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट चढ़ाती हूं ताकि मुझे फाइनल सेल वैल्यू मिल जाए एक बार यह भी देख लेते हैं कि कौन से आइटम्स स्पेसिफिकली कॉस्ट शीट में नहीं कवर करने हैं एनी एबनॉर्मल कॉस्ट अब्नॉर्मल कॉस्ट यानी कि जो अचानक से हो गया जो कंट्रोलेबल नहीं था और वो खर्चे हम लोग को इनकर करने पड़े उन सब खर्चों को हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन माय कॉस्टिंग पीएनएल एन

उसको मैं रिड्यूस करूंगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट उन पेमेंट्स को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं हमारे टोटल खर्चों से फिर बात आती है पेनल्टी फाइन डैमेजेस अगर आपने uh, कुछ इनकर करे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड कोई इंटरेस्ट का खर्चा है कोई भी टाइप ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है उनको जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग सो दैट इज वाई इवन दोज बी रिकॉर्डेड इंटरेस्ट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सो so, चार चीजों का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा एबनॉर्मल सब्सिडी या कोई ग्रांट है उसको हम लोग को कम करना है हमारे प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट से फिर कोई भी टाइप का पेनल्टी आपने दिया है डैमेजेस दिए आपने वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं एंड कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आपने इनकर किया है फाइनेंस कॉस्ट इनका किया है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है अब हम इंडिविजुअली एक एक चीज उठाएंगे और समझेंगे उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल एंड ये डायरेक्ट मटेरियल का आप डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हो फ्रॉम ए एस टू ए एस टू में आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे होता है उसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है तो वही चीज इधर भी कवर की गई है डायरेक्ट मटेरियल का हम को कंजम्पशन अमाउंट आइडेंटिफाई करना है कितना मैंने यूज किया तो उसके लिए इन्होंने बात करी है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक की इससे मुझे मिल जाता है डायरेक्ट मटीरियल का कंजम्पशन अमाउंट फिर इन्होंने बात करा है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इन द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मटीरियल ठीक है मतलब कितने में मैंने खरीदा उसको कोई भी मैंने कैरेज पे किया है उसके लिए तो वो भी एड हो जाता है मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में फिर कोई भी इंश्योरेंस का खर्चा अगर मैंने किया है या कोई भी अदर खर्चा किया है विच इज डिरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेज परचेज करने के लिए अगर मैंने कोई खर्चा किया है वो इधर डायरेक्टली आ जाएगा जैसे कि इंश्योरेंस जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तब पे करना होता ही है आपको बेयर करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में तो उस केस में इसको मैं परचेज रिलेटेड इंश्योरेंस बोलूंगी एंड इट विल बी एडेड अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो हम लोग लेस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमने ये ट्रीटमेंट समझा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आई टी सी इज नॉट अवेलेबल अगर अवेलेबल नहीं है मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ही मैं इसके कॉस्ट में एड कर सकती हूं अगर मैं क्रेडिट का बेनिफिट उठा रही हूं तो मेरे को गवर्नमेंट बोलेगी आप इसके दो बार बेनिफिट नहीं उठा सकते हो या तो आप उसको कॉस्ट में ऐड करो या तो आप उसका आईटीसी ले लीजिए तो ज, अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन डीलर्स की उनको आईटीसी का बेनिफिट उठाने को नहीं मिलता है तो इन दैट केस दे विल एड इट टू द मटीरियल कॉस्ट आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई एक चीज और अच्छे से हमें समझनी है एक चीज है एंड दूसरी चीज है टाइम ऑफ यानी मटीरियल रॉ मटीरियल उसको मैं प्रोसेस करू उससे पहले ही उससे कुछ स्क्रैप जनरेट हो जाता है मान लेते हैं मैं ऑयल मैन्युफैक्चर करती हूं कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चर करती हूँ कोकोनट ऑयल मुझे बनाने के लिए कोकोनट्स परचेज करने पड़ेंगे वो सूखे नट्स करने पड़ेंगे अब वो मैं परचेज तो गनी बैग्स में मिलेंगे वो गनी बैग्स बेसिकली पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल ही है उनको उसमें स्टोर किया गया था अब उन गनी बैग्स को मैं बेच सकती हूँ एट वैल्यू तो ये रॉ मटेरियल के कन्वर्जन से पहले ही एक उसका पार्ट है जिससे मैं इनकम कमा रही हूं जिसको मैं सेल करके थोड़ा सा रियलाइजेशन कर पा रही हूं तो उन खर्चों को मैं डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट से कम कर दूंगी सो दैट इज माई बेसिकली स्क्रैप ऑफ मटीरियल स्क्रैप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या होता है वो थोड़ी देर में हम लोग आगे समझते हैं देन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वो टोटल पेमेंट जो हम लोग अपने वर्कर्स को देते हैं हु हुआ डिरेक्टली तो उनके वेजेस एंड सैलरी हो गए उनको कोई अलाउंस देते हैं इंसेंटिव देते हैं आपने ये सब चैप्टर थ्री में पढ़ा होगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय कॉस्ट पेमेंट ऑफ ओवर टाइम ओवर टाइम कुछ बोनस दिया जा रहा है वो इधर आ जाएगा बोनस एक्सक्रैश या पेमेंट हो रहा है वो भी एड हो जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी कि जिस जो मालिक है मालिक ने कोई अलग से खर्चा किया है उनके वेलफेयर स्कीम्स में डाला है पीएफ में डाला है ईएसआईसी में डाला है तो वो खर्चा भी ऐड हो जाएगा हमारे टोटल लेबर कॉस्ट में कोई अदर बेनिफिट दिया जा रहा है मेडिकल दी uh, का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लीव विद पे दे रहे हैं कुछ भी फूड हम लोग उनको सब्सिडाइज कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो भी खर्चे मैं अपने डायरेक्ट लेबर के लिए कर रही हूं जो भी खर्चे मैं प्रोडक्शन लिंक्ड वर्कर्स के लिए कर रही हूं उन सब खर्चों को मैं बोलती हूं डिरेक्ट लेबर कॉस्ट फिर प्राइम कॉस्ट में आ जाता है अपना डिरेक्ट एक्सपेंसिस डिरेक्ट एक्सपेंसिस का बेसिक मीनिंग तो हम सब जानते हैं विच इज डिरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्ट अब Institute बहुत स्पेसिफिक हो जाती है इधर वो स्पेसिफिकली लाइन इधर से ही कोट करेगी तो हमें अब थोड़ा इधर लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस हेड में क्लासिफाई होगी क्योंकि यही एक दो ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिसमें हम को प्रॉब्लम आ सकती है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए याद कर लीजिए कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज यूटिलिटीज यानी कि जो बेसिक में को रिक्वायरमेंट्स है वो एंड इसके एग्जाम्पल में डाला है पावर फ्यूल स्टीम तो काफी बार इंस्टीट्यूट पूछती है पावर फ्यूल स्टीम खर्चों की लिस्ट में ये दे देगी तो बच्चे इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी क्लासिफाई कर देते हैं बट हमें याद रखना है कि इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पावर हो गया फ्यूल हो गया स्टीम हो गया दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिरेक्ट एक्सपेंस वी देन टॉक अबाउट रॉयल्टी रॉयल्टी इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ डिरेक्ट एक्सपेंस जो भी रॉयल्टी हम लोग प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पे करते हैं या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पे करते हैं दैट इज अगेन अ डिरेक्ट एक्सपेंस फिर हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट आगे अगर देखा जाए कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट सर्विस ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन ड्रॉइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर तो इधर आप बार बार देख सकते हो वर्ड क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्पेसिफिक तो कुछ भी कहीं भी उन्होंने ऐसा टर्म यूज किया है स्पेसिफिक 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 तो हमें पता है दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक का बेसिक मतलब क्या हुआ कि उसी के लिए लाया गया मशीन उसी के लिए लाया गया बनाया गया डिजाइन या ड्राइंग या उसी प्रोडक्ट के लिए लिया गया कोई सॉफ्टवेयर तो जब उसी के लिए लिया है तो भाई उसी में डायरेक्टली एड कर दो आर टॉकिंग अबाउट फी ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ इसका बेसिक मतलब क्या है कि मैं कोई बंदा लेकर आ रही हूँ कंसल्टेशन करवा रही हूं स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोडक्ट अगर उसी के लिए करवा रही हूं तो भाई उसके कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ इज ऑल्सो टू बी एडेड कोई भी अदर एक्सपेंसिस अगर डायरेक्टली लिंक्ड है तो उसको एड कर देंगे ठीक है एंड फाइनली इन्होंने बात करी है अमोटाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटर्न पेटेंट अगर मैं मोल्ड पैटर्न पेटेंट की बात करूं तो ये बेसिकली वो डिजाइन्स है वो ढांचे हैं जिससे प्रोडक्ट को मेन शेप मिलता है तो प्रोडक्ट में वो इजीली है कि मोल्ड के बिना ये नहीं बन सकता दैट इज इज इट अ डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस तो ये थी लिस्ट ऑफ इसको एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं पहले सब स्पेसिफिक वाली चीजें स्पेसिफिक वाली चीजों में मेरे आ जाते हैं हायरिंग चार्जेस मेरे आ जाते हैं भाई स्पेसिफिक डिजाइन या ड्रॉइंग के लिए जो भी खर्चे किए कोई सॉफ्टवेयर मैंने स्पेसिफिकली खरीदा मैंने कोई टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आदमी को बुलाया कंसल्टेशन uh, करवाई है नो हाउ करवाया है तो वो वाले स्पेसिफिक खर्चे इसके बाद रॉयल्टी इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस जो सब लोग देते हैं कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज यूटिलिटीज में पावर स्टीम फ्यूल ये तीन चीजें आ जाती है मेजरली फिर uh, इसमें हम लोग बात करते हैं अमोटाइजेशन ऑफ मोल्ड पैटर्न एंड पेटेंट सो दीज आर द एक्सपेंसेस जो हम लोग डायरेक्ट में कंसिडर करते हैं अगर उन्होंने वर्ड यूज किया है जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर्स सो इवन दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाइबल है कि मैंने स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ आउटसोर्सिंग करवाई है जॉब वर्कर को दिया है और उसको मैं जो चार्जेस पे कर रही हूं वो भी मेरे पार्ट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंस तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट इन लाइन हम लोग एड करते हैं अपने फैक्ट्री के ओवरहेड अभी तक हमने प्राइम कॉस्ट की बात इनडायरेक्ट बात वाली बातें की जाएंगी कंज्यूमेबल स्टोर जो भी मैं स्टोर्स पेपाट क्योंकि बात करूं तो वो मशीन से अफिलियटेड होते मशीन के रिलेटेड होते हैं तो मशीन के लिए किया गया खर्चा यानी कि प्रोडक्शन के लिए खर्चा हो रहा है ना कि प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली तो दैट इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग हमें पता ही है कोई लीज रेंट है ऑफ प्रोडक्शन एसेट उधर था हायरिंग चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक असेट उधर वर्ड आ गया था स्पेसिफिक और हायरिंग बोला था इधर लीज रेंट की बात करिए कोई भी प्रोडक्शन एसेट के लिए जरूरी नहीं एक प्रोडक्ट के लिए दस प्रोडक्ट बना रहे दसों के लिए वो काम काम में आ रहा है तो वो जनरल खर्चा हो गया तो फैक्ट्री में आ रहा है रिपेयर मेंटेनेंस हो गया ऑफ मशीन प्लांट फैक्ट्री बिल्डिंग ठीक है इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हु आर इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली लिंक नहीं है मेरे प्रोडक्शन एक्टिविटी से जैसे कि मेरी फैक्ट्री प्रीमिस है फैक्ट्री प्रीमिस में भाई मेरे को एक वॉचमैन की भी रिक्वायरमेंट है ताकि मेरा काम आ, कोई चुरा के ना ले जाए तो वॉचमैन को मैं जो वेजेस पे कर रही हूं वो फैक्ट्री के रिलेटेड है डायरेक्टली प्रोडक्शन से अफिलेटेड नहीं है बट फैक्ट्री के रिगार्डिंग है तो इसलिए वो आ गया विद रिस्पेक्ट टू इनडिरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट देन दे हैव यूज द टर्म ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट आपने ऊपर भी देखा था कुछ डिजाइनिंग एंड ड्रॉइंग के बारे में था बट दैट वॉज प्रोडक्ट रिलेटेड इधर इन्होंने बात करी है डिपार्टमेंट कॉस्ट की एंड जब ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है तो बेसिकली वो लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड

तो मैं ये नहीं आइडेंटिफाई करती कि भाई रॉ मटेरियल में इतना इसमें इंश्योरेंस में बांट दो इसमें इतना बांट दो इसमें इतना दो तो उसको जनरली हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का अमोर्टाइजेशन ऑफ जिग्स फिक्स टूलिंग एटसेट्रा तो दोनों में भाई डिफरेंस क्या है ये? पूछ सकते हो तो जो था जो पैटर्न था वो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के रिगार्डिंग था जो जिग्स टूलिंग होते हैं वो मशीन में लगते हैं ताकि प्रोडक्ट बने बाकी चीजें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डायरेक्टली ये जिग्स जो है फिक्सर्स जो है ये मशीन में अलग से लगते हैं तो ये है अ फैक्ट्री ओवरहेड ना कि प्रोडक्ट रिलेटेड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन फिर है कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट हमने पढ़ा है भाई ओवरहेड uh, चैप्टर में कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स जो फैसिलिटेट करते हैं प्रोडक्शन को तो यह डायरेक्टली प्रोडक्ट लिंक नहीं होते तो इनके सारे खर्चे इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए टूल रूम इंजीनियरिंग मेंटेनेंस पोल्यूशन कंट्रोल तो ये वर्ड्स आपको अगर आएंगे तो आपको याद रखना है कि भाई ये तो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करते हैं मेरे प्रोडक्शन को सिंसियर फैसिलिटेट करते हैं प्रोडक्शन को तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ओके सैलरी टू सुपरवाइजर अगर बोला जाए तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करोगे डिरेक्ट एंप्लॉय में की फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री में क्यों क्योंकि सुपरवाइजर सुपरवाइजर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नहीं करें, तो मुझे मिल जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ओपनिंग डब्ल्यू आईपी एड करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी लेस करते हैं फिर हम ऐड करते हैं चार चीजें और सब करते हैं एक चीज उनमें सबसे पहली आती है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट यानी कि आफ्टर द प्रोडक्शन इज डन क्वालिटी को चेक किया जाता है कि सारे प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है तो आपको पता हो सकता है कि जब हम लोग क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं एक बार क्लॉथ बन जाता है प्रिंटिंग टाइम हो जाती है तो हर एक मीटर को इंडिविजुअली देखा जाता है कि ये प्रॉपरली प्रिंट हुआ है कि नहीं कोई होल्स तो नहीं आ गए कुछ इसमें ऐसा तो नहीं कि डिजाइनिंग का प्रॉब्लम हो गया था प्रिंट ओवरलैपिंग हो गया था तो ये सब हो गया मेरा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट तो इट इज टू बी एडेड फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहते हैं उसका खर्चा भी इधर एड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है सैलरी पेड टू प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर मैंने ऊपर आपसे पूछा था सुपरवाइजर इधर आ गया मैनेजर मैनेजर यानी कि वो थोड़े ऐसे पोजिशन पे है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करे एडमिन वर्क कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड कर रहा है तो वो क्या हो गया मेरा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी फिर इसमें ऐड किया जाता है अपना पैकिंग का खर्चा पैकिंग का भी स्पेसिफिकली प्राइमरी खर्चा अब हम बात करते हैं शैंपू की शैंपू बनाते तो भाई ह्यूज क्वांटिटी में है लेकिन उसको स्टोर करना पड़ता है स्टोर करने के लिए मुझे उसको बॉटल्स में डालना पड़ता है मैं उसको ऐसे खुलने में तो बेच नहीं सकती तो जो बॉटल है बेसिक वो क्या हो गई मेरी प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट हो गई अब मान लेते हैं कि भाई मुझ मैं होलसेलर हूं तो मुझे कार्टन मिलेंगे दस दस बीस बीस दो सौ दो बॉटल्स के कार्ट मिलेंगे वो जो कार्टन है वो क्या हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है ये जो प्राइमरी पैकेजिंग है ये है ताकि प्रोडक्ट प्रॉपर रहे स्टोर्ड रहे इस प्रोडक्ट मेरा खराब ना हो जाए सो दैट इज माय बेसिक या प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट एंड फाइनली हम लोग लेस करते हैं ऐसा कोई भी इनकम जो मुझे रिकवरी ऑफ स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट से हुआ है ऊपर जो मैंने आपको कोपरा वाला एग्जाम्पल दिया था जो मैंने आपको ऑयल uh, वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें हमने बात करी थी गनी बैग्स की जो जूट बैग्स मुझे मिल गए थे उसकी बात की थी वो क्या है मेरा स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल इधर हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रैप ऑफ बाय प्रोडक्ट या आ, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप मान लेते हैं मैं स्टील मैन्युफैक्चर कर हूँ स्टील को शेप देने के लिए उसको घिसना पड़ता है सैंड करना पड़ता है जिससे वो छोटे छोटे वुल्स क्रिएट हो जाते हैं वो जो वुल है उसको मैं बेच के स्टील वुल जो है उसको मैं बेच के थोड़ा सा पैसा कमा सकती हूँ तो वो क्या है मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो स्क्रैप जनरेट हुआ ऐसे ही एक एक और एग्जाम्पल जो भी हम लोग की क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है वो लोग कट करेंगे कट करेंगे तो छोटा सा पीस बच जाएगा वो छोटे छोटे पीसेस का भी एक मार्केट है सेल का तो वो क्या है जब हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसको कट करने के बाद प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो चला गया था फॉर्म उसने थोड़ा बहुत अपना चेंज करना चालू कर लिया था तब जो भी मेरे स्क्रैप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उससे जो इनकम हो रही है वो इधर लेस की जाएगी ऊपर का मटेरियल के रिगार्डिंग स्क्रैप और इधर है प्रोडक्शन एक्टिविटी के टाइम पे जो स्क्रैप हुआ वो इनसे मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग फिनिश गुड्स का ओपनिंग एड करते हैं क्लोजिंग लेस करते हैं जिससे मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग एड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बट दिस टाइम नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट विच आर जनरल इन नेचर मेरे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे एड होंगे उसमें बोलने की तो जरूरत है ही नहीं बट एक बार फटाफट से देख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ फर्नीचर दैट इज देयर इन द ऑफिस बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस वो सारे खर्चे मेरे सैलरी जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉज uh, को देती हूं डायरेक्टर्स को देती हूं सेक्रेटरी uh, को देती हूं मेरा रेंट रेट टैक्सेस जो भी ऑफिस रिलेटेड है मतलब ऑफिस 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 आए तो इधर वो खर्चा ऐड हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल कोई है प्रिंटिंग हो गया स्टेशनरी हो गया लीगल फीस हो गया ऑडिट हो गया ये सब कहा के खर्चे हैं ऑफिस तो के खर्चे हैं तो ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ओवरहेड्स में डाल दो डायरेक्टर्स को कोई भी अगर खर्चा किया जा रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है डायरेक्टर कभी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर मैनेजर तो है लेकिन इस बार कौन सा मैनेजर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाला तो वो भाई जनरल है वो प्रोडक्शन लिंक्ड नहीं है फिर पेमेंट टू डायरेक्टर डायरेक्टर को कोई भी तरह का पेमेंट किया जा रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हेड विच आर जनरल इन नेचर सेलिंग ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड्स यानी कि सेल डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट में मेरा आ जाएगा उनको सैलरी एंड वेजेस अगर हमने पे किए कोई भी रेंट डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मैंने कोई एडवर्टीजमेंट रिलेटेड खर्चा किया है मैंने कोई वेबसाइट मेंटेन करी है ताकि मैं ऑनलाइन का सेल कर सकूं कोई भी मैंने मार्केट रिसर्च किया है तो ये सब खर्चे है मेरे सेलिंग ओवरहेड्स फिर फाइनली आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में मैं बात करती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के सैलरी एंड वेजेस कोई भी मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो घर घर जाके अगर कुछ काम कर रहा है कुछ सामान बेच बेचे उनको जो भी हम लोग खर्चा देते हैं वो उनका ट्रांसपोर्टेशन उनका इंश्योरेंस का खर्चा जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हो गया फिर मैंने कोई टेम्पो खरीदा है टेम्पो खरीदा है ताकि मैं सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ उसके डेप्रिसिएशन की बात करूँ उसके लीज की बात करूँ रेंटल्स की बात करूँ उसके मेंटेनेंस की बात करूँ तो वो भी पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेज एंड इसमें कवर होता है पैकेजिंग कॉस्ट सेकेंडरी इसकी मैंने पहले ही बात कर ली थी कि जो भी कार्ट होते हैं जिसपे प्रोडक्ट जाता है विच फेसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग तो वो सब वो सब एड होता है टू आइडेंटिफाई माई कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग प्रॉफिट एड करते हैं जिससे फाइनली बन जाता है हम लोग का सेल्स का अमाउंट दीज आर दिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड इन क्वेश्चीट क्वेश्चनशीट में क्वेश्चन जनरली इजी होता है प्रॉब्लम आती है कि कहाँ किस को कैटेगराइज करना है तो इसीलिए इस वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हो आप चाहो तो इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो ताकि फटाफट से आपका ये चीज रिवाइज हो जाए थैंक यू गाइज दैट इज इट फॉर द डे प्लीज यू सब्सक्राइब टू आर चैनल सी यू अगेन सून बाय गाइज